गंडई पंडरिया गांधी चौक पंडरिया वार्ड क्रमांक 1 से बहेरा भाटा वार्ड क्रमांक से 5 तक काफी लंबे अरसे के बाद डामरीकरण किया जा रहा है। एक दो बार पूर्व में सड़क निर्माण की स्वीकृति मिली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से कार्य प्रारंभ नहीं हो पाने से राशि वापस हो गई थी। वार्डवासियों ने सड़क निर्माण हो जाए इसके लिए काफी प्रयास करते हुए नगर पंचायत सहित विभिन्न जगहों पर आवेदन करते हुए इसके लिए आंदोलन भी किए थे, लेकिन इस और कुछ नहीं हो पाया था। जानकारी के अनुसार जब खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह जीवित थे तब उन्होंने 45,36,000 रुपए की स्वीकृति करवाई थी, जिसकी घोषणा उनके द्वारा नगर पंचायत द्वारा गांधी चौक में भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे विधायक ने मंच से की थी, जिसके बाद बीते कुछ दिनों पहले उक्त सड़क निर्माण के कार्य को प्रारंभ किया गया। ठेकेदार ने पहले से सीमेंटीकरण रहे सड़क जो की विभिन्न जगहों से डैमेज था, उबड़ खाबड़ सहित उखेड़ स्थानों को दोबारा सीमेंटीकरण करते हुए समतल करवाया है, जिसके बाद बीते एक दो दिन से डामरीकरण किया जा रहा है। उक्त डामरीकरण की मोटाई इतनी कम है कि देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उक्त सड़क राहगीरों को कब तक साथ देगी। घटिया निर्माण को लेकर बहेरा भाटा के दूरदेशी पटेल, जगदीश पटेल, रोहित साहू, जगराशन पटेल, राम कुमार पटेल, संतराम मरकाम, जेठू राम पटेल, मिलऊ पटेल सहित सभी वार्डो के नागरिकों ने मिलकर उक्त निर्माण कार्य को लेकर विरोध करते हुए बताया है कि डामरीकरण की मोटाई इतनी कम है कि बहज एक दो महीने में ही सड़क दोबारा खराब होना शुरू हो जाएगी। सड़क को बनाना था तो अच्छे से बनाना था, लेकिन घटिया स्तर का बनाया जा रहा है, इससे हम वार्डवासियों ग्रामीणों की मुसीबत और बढ़ेगी। देखिए, जो वार्ड क्रमांक 1 से 5 तक के अंतर्गत जो रोड बन रहा है वो प्राकलन के आधार पर कार्य करवाया जा रहा है, और जहाँ तक लिपापोती की बात है हमारे द्वारा उसको सही ढंग से कराया जा रहा है, जो कि आपका थिकनेस है 30 mm का, उसको रोलिंग करके 20 mm का अपना डामर कोट वो डल रहा है, टैग कोट का कार्य है, उस पर सील कोट का कार्य किया जा रहा है अभी वर्तमान में। नीचे से फिर से बेस करके उसको काम करना करने का एस्टिमेट नहीं था क्या सर उसमें? नहीं, उसमें पैच वर्क है, जहाँ पर कंक्रीटिंग खराब है वहाँ को सीसी से मरम्मत करके उसको पैच। आप बताओ भी रोड कैसे बना थे, क्या होते? रोड तो हमारे हिसाब से खराब बने थे। क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ क्या है, वो 15 दिन नहीं जाए रोड है, गाड़ी चली है मरता तो फिर बना इसकी मतलब कहा जत कर के जब पैसा सरकार से में माल नहीं डाला था वहाँ। अच्छा, ओखर से अच्छा टिकाऊ बनना चाहिए, लेकिन ओखर से मतलब काम के फिर 10 में माल नहीं डाला था तो रोड बनाए से। अच्छा, आपकी ये जो भैराभाटा रोड है वो किस साल के बाद बना थे? ये तो 20 साल के बाद ही बना थे। 20 साल हो गई है, 21 साल हो गई है। अभी जैसे डामरीकरण होते ओखर पहली स्थिति का रही से बहुत खराब रही, बहुत खराब रही से, बहुत खराब रही से, ज्यादा खराब रही चलाए के हिम्मत नहीं होत रही से। प्रशासन के बना थे अच्छा, थोड़ा अच्छा बनना चाहिए ताकि टिकाऊ रहा है, भाई सब काम आए बच्चा उनके चाहिए। रोड कितने दिन चले? रोड आया तो नहीं चले, 15-20 दिन चले ज्यादा से ज्यादा। डबल डालती तो अच्छा रहती, डबल डाले टिबल डाले ओकर समय नहीं, लेकिन टिकाऊ बनना चाहिए, अच्छा बनना। थोड़ा डबल चाहिए तो बने 1 इंच मान ले जाते हैं। क्या लगती है, खोद के बनाई गई है या पुराना रोड के ऊपर बनाया? पुराना रोड के ऊपर पीसीसी को रोड ऊपर मेल भी छा जाते हैं, खोद के नहीं बनाए गए। और जो तेल डालते रोड में है ना, जो प्राइमर डालते वो ढंग से लगा से नहीं डालते रोड में, वो तो बहुत पतला डाला थे, कोई दिक्कत नहीं करे वो। ठीक है, अपना नाम बता दो, कहाँ रहते थे? दूरदेशी पटेल, बहेराभाटा वार्ड नंबर 1। आप अपना नाम बता दो। जगदीश पटेल, वार्ड नंबर 1। आपको बता दें कि राजनांदगांव जिले के गंडई नगर पंचायत में वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 5 तक बहेराभाटा में पक्की सड़क निर्माण कार्य का काम चालू है। काम चालू होते ही वार्ड के लोगों का कहना है कि इस निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार हो रही है। सड़क को देखने पर भी लग रहा है कि वाकई में संबंधित ठेकेदार के द्वारा लीपापोती कर काम किया जा रहा है। अधिकारियों के रहने के बावजूद भी, अधिकारियों के मौजूदगी के बावजूद इस प्रकार का काम करना कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को पनाह देना, भ्रष्टाचार को उजागर करता है, और उसके बावजूद भी लगातार यह काम चालू